हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जब कोई गाय या भैंस मतलब बच्चा देती है, पहली बार जब बच्चा देती है तो दूध नहीं निकलता है, तो उसमें मतलब उसकी प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई गाय या भैंस पहली बार बच्चा देती है तो देखा जाता है गर्मी के सीज़न में खास करके वो दूध ही नहीं निकाले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपकी गाय या भैंस दूध नहीं दे रही है तो आप अपनी गाय भैंस को प्रॉपरली अच्छे से मतलब जो फीड होता है वो आपको देना चाहिए। खास करके जैसे कि मतलब अंकुरित चना हो गया, वो आप अपने गाय या भैंस को 1-2 किलो आप उसको खिला सकते हैं, या मतलब ऐसा कर सकते हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम मतलब 1-1.5 किलो आप अपने गाय भैंस को प्रतिदिन खिलाएं कम कम 6-7 दिन तक। तो उससे क्या होता है, गाय भैंस को काफ़ी राहत मिलती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फिर गाय या भैंस जो है दूध देना मतलब धीरे धीरे स्टार्ट कर देती, एकदम से तो नहीं करेगी पर धीरे धीरे देना स्टार्ट कर देती है। फिर दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने गाय भैंस को गुड़ खिलाएं। 250 ग्राम गुड़ अपने गाय भैंस को प्रतिदिन, आपको ये काम 10 से 15 दिन लगातार आपको करना है। ये देसी तरीका है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी गाय या भैंस जो है 1 हफ्ते में दूध देना मतलब स्टार्ट कर देगी, और 10-15 दिन में उसकी अच्छी रिकवरी हो जाएगी। जैसे कैल्शियम की पूर्ति होती है, मतलब गुड़ देने से कैल्शियम खून नहीं बन रहा है या दूध नहीं दे रही है, हेल्थ नहीं बन रही, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं गुड़ खिलाने से आपकी ये मतलब गाय भैंस की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में जैसे ऑस्टियोवेट प्लस वेमिराल का लिक्विड आता है वो आप अपने मतलब गाय भैंस को पिला सकते हैं। बाज़ार से आप खरीद के ये ऑस्टियोवेट प्लस वेमिराल का जो लिक्विड है उसको आप पिला सकते हैं, 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, या 100-100 ml करके आपको 10 से 15 दिन लगातार पिलाना है। इसको पिलाने से फ़ायदा ये होगा, जैसे आपकी गाय या भैंस को मतलब प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम की कमी हो गई है, या डाउन काउ सिंड्रोम जैसे कुछ आपको ऐसा लक्षण दिख रहा है, या मिल्क फीवर जैसे कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो इसको पिलाने से मतलब काफ़ी राहत हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आप अपने गाय भैंस को समय समय पर डिवर्मिंग जरूर कराएं, क्योंकि जनरली क्या होता है जो गाय भैंस होती हैं उनके पेट में जो एंडो पैरासाइट यानी कि जो कृमि रहते हैं उसकी वजह से भी गाय भैंस दूध नहीं देती है, या जब बच्चा देती है तो जो जेर होती है, प्लेसेंटा जो होती है वो प्रॉपरली अच्छे से साफ नहीं हो पाती है, उसके वजह से भी दूध में गिरावट आ सकती है। तो उसको सबसे पहले आप मतलब गाय भैंस के गर्भाशय की साफ़ सफाई अच्छे से कराएं, फिर फेनबेंडाजोल की जो बोलस आती है वो अपने गाय भैंस को खिलाएं, फिर गुड़ वगैरह जैसे आप दें। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे जो गाय भैंस मिल्क नहीं देती है वो मिल्क देना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार से आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।